हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ चिकन की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, चिकन रारा। बहुत ही फेमस है ये हर रेस्टोरेंट में और बहुत ही अच्छा होता है स्वाद में। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चिकन रारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिकन 1/2 kg, ये बोन के साथ मैंने लिया है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। बोनलेस चिकन के पीसेस को आप मिक्सर में 2 से 3 सेकंड्स के लिए चला लीजिएगा, बस आपका कीमा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 8 से 9 काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है खड़ा जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री और जायफल का 1 छोटा सा टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। डाल देते हैं इसे पैन में और इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारे मसाले यहाँ अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है चिकन का हड्डी वाला पीसेस और इसे हम कर लेंगे मैरिनेट। इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, साथ ही हम ऐड कर लेंगे 3 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 150 ग्राम दही और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे हमने जो ड्राई रोस्ट करके मसाला तैयार किया था वो। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, इसे अब हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। पैन में हम यहाँ डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल हमारा यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसमें हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और इसके साथ ही उसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ा प्याज कटा हुआ। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें प्याज हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे अब 2 बड़े टमाटर। तो मैंने टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटे चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर का कच्चापन निकल जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारा यहाँ अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन कीमा और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त भी नमक डाला है चिकन में। और इसे भी हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, साथ ही में ऐड कर देंगे हम 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच हमें ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो भी पानी है निकला है ये सूख ना जाए और मसालों से ऑयल रिलीज ना हो जाए। चिकन हमारा यहाँ बहुत ही अच्छे से भून चुका है, देख सकते हैं आप, ऑयल भी रिलीज हो गया मसालों से और बिल्कुल पानी भी इसका सूख चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और इसे अब हम ढक देंगे और ढककर हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे 15 मिनटों के लिए जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। 15 मिनट हो चुके हैं तो अपने चिकन को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन यहाँ बिल्कुल तैयार है बनकर और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ता 1/2 कटोरी, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। गैस को हम ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा चिकन रारा यहाँ बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये लीजिए हमारा बहुत टेस्टी सा चिकन रारा यहाँ पर तैयार है।
बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और इसके हर बाइट में चिकन का फ्लेवर आता है क्योंकि हमने इसमें कीमा का भी यूज़ किया है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही फेमस है, तो इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।